हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज़ा किचन। एक और यूनिक रेसिपी के साथ आज हम बनाने वाले हैं कुकी कप शॉट्स और साथ में कुछ कुकीज़ भी बनाएंगे। इनको बनाना बहुत आसान है और ये बड़ों छोटों सबको बहुत पसंद आती है और टेस्ट भी इनका बहुत अमेजिंग होता है। तो चलिए हम फटाफट से इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। कुकी कप शॉट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में लगभग 50 ग्राम्स बटर डाल लेंगे और साथ ही हाफ कप पाउडर शुगर डाल लेंगे और उसके बाद इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाएगा तब हम इसमें 1 टेबलस्पून चोको पाउडर भी ऐड कर देंगे और उसको भी मिक्स कर लेंगे। और उसको डालने के बाद हम साथ में 1 कप मैदा धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे और इसका स्मूथ डो बना के तैयार कर लेंगे। अभी ये टेक्सचर थोड़ा क्रमली लग रहा है, इसमें हम 1 to 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क ऐड करते ही एकदम सॉफ्ट सा डो बनके तैयार हो जाएगा इसका। अगर आपको लगे ये थोड़ा ड्राई हो रहा है तो मिल्क आप 1 to 2 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हमारा डो बनके तैयार हो गया है। अब चलिए हम अपनी दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर कुकर में एक स्टैंड रख के उसको लो मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है। अब इस तरह की हमें कोई भी ग्लास ले लेंगे और उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। हमें बहुत अच्छे से ग्रीस करना है क्योंकि हम कप शॉट्स इसी में बनाने वाले हैं। और उसके बाद हम बटर पेपर लेंगे और कुछ ऐसा सा लंबा सा हम काट लेंगे और ऐसा एक सर्कुलर शेप भी काट लेंगे, उसको सेंटर में रख देंगे और इसको यूं ऐसे हम सर्कुलर मोशन में फोल्ड कर देंगे और ग्लास के अंदर इसको भी प्लेस कर देंगे और इसको ऐसे स्टिक कर देंगे ग्लास के चारों तरफ। और ये देखिए, हमारे ग्लास रेडी हो गई है। अब इसके बाद हमने जो डो तैयार किया था उसको हम ले लेंगे और ऐसी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे और इसको फ्लैट करते ही हम ग्लास के अंदर ऐसे पेस्ट करेंगे। इसको ऐसे लगा करके हम इसे ऐसे चिपका देंगे। ये प्रोसेस हमें पूरे ग्लास को कवर करते हुए करना है। हमने फिर एक छोटी लोई ली, उसको फ्लैट किया और फिर ग्लास के अंदर इस तरह से प्लेस कर दिया। हमें बहुत पतला थिकनेस इसका नहीं रखना है, हमें इतना रखना है ताकि ये निकालते वक्त टूटे नहीं। और इसी तरह से हम ग्लास को सब तरफ से कवर कर लेंगे। अब ये देखिए, हमने ग्लास को चारों तरफ से डो से कवर कर लिया है। अब हम इसको बेक करेंगे। यहाँ पे हमारा कुकर प्री हीट हो गया है और हम इसको स्टैंड के ऊपर इस तरीके से रख देंगे और अपने कुकर की सीटी और रबर निकाल करके कुकर को टाइटली पैक कर देंगे मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट्स के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो डो रह गया था उसकी हम ऐसे छोटी छोटी कुकीज़ बना लेंगे और उसके बाद इनको हम थोड़े चॉको चिप्स से और डेकोरेट कर लेंगे। अब इन कुकीज़ को मैंने माइक्रोवेव पे कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 से 12 मिनट्स के लिए बेक कर लिया। 20 से 25 मिनट्स के बाद ये देखिए, हमारी कुकी कप शॉट्स बढ़िया से बेक हो चुकी है। एकदम परफेक्ट टेक्सचर निकल कर आया है इसका। और यहाँ पे देखिए, हमारी कुकीज़ भी परफेक्टली बेक हो चुकी हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये। और अब हम अपने कुकी कप शॉट्स को डीमोल्ड करते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसके सारे एजेस ऐसे लूज़ कर लेंगे और ये देखिए, उसके बाद हम इसको ऐसे यूँ पलट देंगे। हमने यहाँ बटर पेपर लगाया है इसलिए बहुत स्मूथली निकल के आ जाती है। अब इसके बाद धीरे धीरे हम इसका बटर पेपर निकाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट शेप निकल कर आया है इसका, बिल्कुल ग्लास जैसा। अब हम इसका टेस्ट और एनहांस करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मेल्ट कर ली थी और उसको इस तरीके से चारों तरफ इसको मैं ब्रश कर दूँगी। रिम्स पे अच्छे से लगा लेंगे और इसके बाद अंदर भी पूरी तरह से चॉकलेट की कोटिंग हम कर देंगे और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है। इसको जब हम चिल्ड मिल्क के साथ सर्व करते हैं ना गाइस, बहुत ही यम लगता है। अब यहाँ पे हमारी चॉकलेट कोटिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे एकदम चिल्ड मिल्क के साथ और साथ ही हम स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ी सी चोको पाउडर और आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी चोको चिप्स भी डाल सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। गाइज, ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।